وهذا شهون عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سب سے پہلے میں تمام روزے داروں کو ایام مبارک کے رمضان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے دوبارہ ہمیں توفیق دیا کہ ہم اس ماہ مبارک میں وارد ہو سکیں. اور ساتھ ہی دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار اس مہینے میں ہمارے اعمال اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. چونکہ پہلا دن ہے، پہلی رمضان ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں ماہ مبارک رمضان سے مخصوص کی جائیں. اسی لیے سورہ بقرہ کی اس آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جو 183 سورہ بقرہ کی ہے، اور اس کے بعد متواتر تین آیتیں جو خود ماہ رمضان سے ربط ہیں اور رمضان کے اعمال سے ربط ہیں، جس میں خدا خطاب کر رہا ہے آپ لوگوں سے، ہم لوگوں سے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، مومنین سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو یعنی یہ آمنو جو اہل ایمان ہیں، خدا جو خطاب کر رہا ہے یہاں پر، یہ ہم سے ہے، ہماری روحوں سے، ہمارے عقل سے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی یہ حکم ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم روزے رکھو. روزے کے احکامات، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، کب شروع کرنا چاہیے، کب ختم کرنا چاہیے، اس کے خدا نے احکامات بیان کیے. کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ صرف ہم پر یہ روزے واجب نہیں، یہ مت سمجھیں کہ صرف ہم پر لکھ دیے گئے روزے واجب قرار دیے گئے، بلکہ ہم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر خدا نے ان روزوں کو واجب قرار دیا تھا. تو یہ خدا کا فرمان ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ کہ پروردگار اس کی اہمیت کو، رمضان کی اہمیت کو، روزوں کی اہمیت کو اس آیت کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے. کہ یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے روزے دار، تم سے پہلے بھی تھے روزے دار. لعلکم تتقون،
ये रोज़ा जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा पहुंचाता है इंसान को, वो तक़वे में इजाफ़ा करता है। रमज़ान के इख्तिताम में अगर आपको बातिन तौर से महसूस हो कि तक़वा इजाफ़ा हुआ है, तो शुक्र अदा करो कि रोज़े कबूल हुए इंशाअल्लाह। मसलन इंसान बुराइयों से नफ़रत करने लगेगा, खुदा के हुक्म की तामील करने लगेगा और नेकियों से मोहब्बत करने लगेगा, ये अच्छे औसाफ उसके अंदर आने लगेंगे, बुरे औसाफ उसके अंदर से ज़ायल हो जाएंगे। आखिर रमज़ान में मालूम होगा ये कि तक़वा कितना इख्तियार किया। वरना बहुत सारे लोग जो सीरियस नहीं होते तक़वा इख्तियार करने के लिए, उनके लिए रमज़ान और गैर रमज़ान सब एक है। मुहर्रम हो या गैर मुहर्रम, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, उनके लिए एक है। इनके लिए फ़र्क नहीं करता। रमज़ान में वो सिर्फ़ और सिर्फ ये खाने पीने का कार्निवल समझेंगे लोग, एक अच्छी डिशेस बनेंगी, जैसा कि मामूलन हिंदुस्तान के भी बहुत सारे मैगज़ीन्स और बहुत सारे जो आर्टिकल्स या तस्वीरें जो बयान होती हैं, जो इंटरनेट के अंदर और दीगर मकामात पर जो पक्ष होते हैं, ये ज़्यादातर रमज़ान को कार्निवल का महीना बताते हैं, ये खाने पीने का महीना बताते हैं, कार्निवल, फूड कार्निवल, कि लोग मुख्तलिफ ग़ज़ाओं से बहरामंद होते हैं, ना जाने ये खाते हैं, ये पीते हैं, फलां चीज़ खाते हैं। खाने पीने का महीना ज़्यादा तबलीग किया गया है रमज़ान, जबकि मानवीय महीना ही है, मानवियत में इजाफ़ा करता है इंसान की, तक़वे में इजाफ़ा करता है, इंसानियत में इजाफ़ा करता है इंसान के। इंसान खुदा से नज़दीक होता है, दर्दमंद होता है, दर्द एहसास करता है लोगों का। ये खाने का कार्निवल नहीं है, फूड फेस्टिवल का महीना नहीं है, ये रमज़ान नहीं है। रोज़े रखते हैं लोग, इफ्तार फॉर्मेलिटी होती है, ये रोज़ा खोलने के लिए, सब चीज़ इफ्तार नहीं है। अय्याम मअदूदात, अब दूसरी आयत में, आयत नंबर 184 में खुदावंद मुताल रमज़ान के रोज़ों का ड्यूरेशन बयान कर रहा है, मुद्दत। खुदा कहता है कि अय्यामन मअदूदात, ये मअदूद अय्याम, लिमिटेड अय्याम, 30 दिन से ज़्यादा क्रॉस नहीं होते, एक चांद दूसरे चांद तक बस, उसके बाद रोज़ा नहीं है, उसके बाद वाजिब नहीं है रोज़ा। अय्यामन मअदूदात इसी को कहते हैं, सारा साल के लिए नहीं होता रोज़ा, एक मखसूस पीरियड है ये, जो शाबान के बाद का महीना, शवाल से पहले वाला रमज़ान, ये मामूलन इबादतों का महीना है, यानी जिसके, जैसा कि मैंने दो जुम्मे पहले आपके सामने नमाज जुमा में अर्ज़ किया था, हर चीज़ का एक साल होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। 31 मार्च, जो आप लोग जानते हो बिजनेसमैन हो, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं उसको, अकाउंट्स क्लोजिंग होता है, क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है अकाउंट्स को। नया साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, इकॉनमी का नया साल माना जाता है, हर चीज़ का एक न्यू ईयर एक होता है, जो 1 जनवरी को मनाई जाती है, न्यू ईयर कहते हैं उसको। हर कैलेंडर में एक न्यू ईयर है, उसी तरीके से इबादतों का क्लोजिंग ईयर जिसे कहा जाए, वो शाबान का महीना, वाइंड अप करते हैं साल का सारा अमाल। साहिबान इरफान, बड़े जैयद उलमा रमज़ान को इबादतों का नया साल समझते, न्यू ईयर है इबादतों के लिए,
रमज़ान में ये लोग पिछले साल की इबादतों को मुहासिबा करते हैं लोग, यानी बाकायदा हिसाब करते हैं उसका, कितना तर्क हुआ इबादत, कितनी लापरवाही हुई, ये होते ही हैं। फिर रमज़ान से नए तरीके से आगाज़ करते हैं, एक नई जान मिलती है। अय्यामन मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न, अब किसके ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं है, सब पर रोज़ा वाजिब है, लेकिन बास कैटेगरीज ऐसे हैं जिस पर रोज़ा वाजिब नहीं, जिसमें फमन कान मिनकुम मरीज़न, तुम में से अगर कोई मरीज़ है, बीमार हो चुका है, उसके ऊपर रोज़ा हराम है, बीमारी ने तूल पकड़ लिया उसे, उस पर रोज़ा हराम है, फिर रोज़ा नहीं रख सकता हूँ। माह रमज़ान में बीमार हो गया, वो उसकी बीमारी 20 रमज़ान से ऊपर गई, जितने भी रोज़े ख़त्म हुए उसके, खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है कि मिन अय्यामिन उखर, जो रोज़े छूट गए वांटेडली नहीं, मजबूरन बीमारी की वजह से जो छूट गए, मिन अय्यामिन उखर, कि शवाल के महीने में चांद देखने के बाद, ईद के बाद, ना कि ईद के दिन, ईद के बाद, बाद में रोज़ा रख लेना जितने खजा हुए हैं, मिन अय्यामिन उखर, औ अला सफरिन, या कोई सफ़र पर चला गया, बिजनेस टूर पर चला गया, हादसा हो गया किसी शहर में, मौत का जाना पड़ा उसे, वो चला गया, उसके ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं। ये नहीं कह सकता कि मैं तो हमेशा रोज़ा रखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर भी रोज़ा रखूँगा, उसके लिए जायज़ नहीं है, हराम है रोज़ा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग बाहर सफ़र पर गए थे रमज़ान में, उस वक्त पैगंबर ने फरमाया कि तुम लोग रोज़ा नहीं रखो, इफ्तार करो। किसी ने कहा कि या नबी अल्लाह, हमको तो आदत है रोज़ा रखने की, हम रोज़ा रखेंगे, हम इफ्तार नहीं करेंगे, रोज़ा रखेंगे। तो पैगंबर ने फरमाया कि तुम खुदा के अहकाम के ख़िलाफ़ कर रहे हो, यानी नफरमानी कर रहे हो, खुदा कह रहा है कि मत रखो और तुम रखना चाहते हो। एक सबसे बड़ी चीज़ आप एहसास करें, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ जो कुरान तालीम दे रहा है यहाँ पर, वो ये है कि अल्लाह की फरमानी और अल्लाह की नफरमानी, खुदा की इताअत और उसकी नफरमानी, दो चीज़ बहुत बड़े इशारे हो रहे हैं। यानी जितना भी असल वैल्यू है किसी भी अमल का, उसके नियत के ऊपर वैल्यू। अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो, नमाज की वैल्यू उस वक्त बढ़ेगी जब आपकी नियत होगी, नियत सही होगी। नियत क्या है देखना है, अक्सर ये होता है कि नियत देखी जाती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत इम्पॉर्टेंट है। ये नियत यह कि खुदा की इताअत करना है, तकवा इसी को कहते हैं, नियत साफ करना, खुदा की इताअत, अल्लाह की मासियत नहीं करनी। कोई चीज़ सामने आ गई, गुनाह का इम्कान है, इंसान नियत के ऊपर मुनहसर है, इंसान सोचता है कि मैं ये काम करने से क्या खुदा राज़ी होगा या नहीं होगा, खुदा राज़ी होगा तो इंसान करेगा, खुदा राज़ी नहीं है गुनाह है, इंसान नहीं करेगा। रोज़ा खुदा के लिए रखता है इंसान, इसलिए कि खुदा का हुक्म बजा ला रहा है। और कहीं पर रोज़ा तोड़ना वाजिब हो जाता है, वो भी हुक्म इलाही है, वो भी हुक्म इलाही है, अपनी मनमानी चाहिए नहीं चलती यहाँ पर, कि चूंकि मेरी ख्वाहिश है मैं तोड़ूंगा, मेरी ख्वाहिश है मैं रोज़ा रखूंगा, ये दीन में मनमानी है, ये अहकाम में मनमानी नहीं चलती। कुरान अमानत का नाम है, कुरान एक ऐसी अमानत है जिसे महफूज रखना है। कैसे महफूज रखा जाएगा कुरान को, अमल के ज़रिए से।
यानी खुदा अगर कहे रोज़ा रखो तो रोज़ा रखना यानी कुरान जिंदा है ना, सबसे आसान बात है। खुदा कह रहा है रोज़ा रखो, मैं रोज़ा रख रहा हूँ इसका मतलब मैंने कुरान को ज़िंदा रखा है अभी अपने अंदर। खुदा कह रहा है नमाज पढ़ो, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ इसका मतलब मैंने कुरान को ज़िंदा रखा है मैंने। खुदा कह रहा है गुनाह ना करो, जैसा कि खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है आयत इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, खुदावंद मुताल तुम्हें अम्र करता है, हुक्म देता है। किस चीज़ का हुक्म देता है? अदल, अदालत, जस्टिस। अगर मैं अदालत बरकरार रखूं अपने अंदर तो मैंने असल अल्लाह की इताअत की, यानी कुरान को मैंने ज़िंदा किया है, कुरान ज़िंदा हुआ है मेरे अंदर। एहसान नेकी करने को कह रहा है खुदा, अगर मैं नेकी कर रहा हूँ मैंने कुरान को ज़िंदा किया है। वयन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, खुदा क्या कह रहा है? रोक रहा है तुम्हें, यन्हा नहीं कर रहा है। खुदा तुम्हें रोकता है किस चीज़ से रोकता है? अनिल फहशा, फहशा से, गंदगी से, फहशा गुनाहों से। वल मुनकर, मुनकरात से खुदा रोकता है। अगर हम इन चीज़ों से रुक जाते हैं गुनाह की अपॉर्चुनिटी हमारे पास, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया गुनाह ये सोचकर कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का हुक्म है गुनाह नहीं करने के लिए, अल्लाह ने हुक्म दिया है। गोया हमने सिर्फ एक इताअत नहीं की बल्कि अपने अंदर कुरान को ज़िंदा किया, कुरान हमने ज़िंदा किया यानी अल्लाह का कलाम हमारे अंदर ज़िंदा हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम अपनी तरफ से काम नहीं लो, जो भी है खुदा क्या कह रहा है देख। अपनी तरफ से इस्तेखराज करना किसी मसले का ये तफसीर बिर राई है, ये जो पहले शैतान ने किया था। शैतान ने क्या किया था? जब अल्लाह ने आदम का पुतला बना दिया उसमें रूह फूंक दी और अल्लाह ने कहा कि सारे मलाइका को फरिश्तों को कि सजदा करो आदम का, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। खुदा ने इबलीस से पूछा कि तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है, क्या चीज़ माने बन रहा है तुझे सजदा करने से? इबलीस ने क्या कहा था? अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर। खुदा मालिक कह रहा है सजदा करो, ये अपना अहकाम बयान कर रहा था, मैं आदम से बेहतर क्योंकि तूने उसे मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया इसलिए मैं बेहतर। उसके अंदर इस्तेदलाल क्या था? मिट्टी यानी गर्द गुबार, जितना भी झटकी जाए गर्द गुबार को, उसकी फितरत यह कि दोबारा ज़मीन की तरफ आ जाती है गर्द गुबार। मिट्टी आप कितना भी उछालें मिट्टी दोबारा ज़मीन की तरफ आती है, नुजूल की तरफ। आग की खासियत यह होती है आग को जब जलाया जाता है आग ऊपर की तरफ जाती है, आपने नहीं देखा होगा आग ज़मीन की तरफ ही जाती होगी, नहीं ऊपर, शोले ऊपर की तरफ जाते। इस इस्तेदलाल से उसने, शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं आदम से बेहतर इसलिए कि तूने उसे आग से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया, उसे मिट्टी से पैदा किया, अना खैरुम मिन्हु। इसलिए कभी खुदा के एहकाम की तशरी व तफसीर अपने दिल से नहीं निकलना चाहिए। एक आयत पढ़ लिया अपने दिल से उसका तहलील नहीं करनी चाहिए, उसकी तफसीर नहीं करनी चाहिए। फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तुम साहिबान ज़िक्र से सवाल करो, जो उलेमा हैं उनसे सवाल करो, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सवाल करो कि तुम्हें आयत का मतलब बताएंगे। वरना अगर हर कोई अपने तरीके से अगर आयत का इस्तेखराज करने लग जाए आज दीन ख़त्म हो गया होता। आज बनी उमैया ने बहुत सारा दीन इसी में बर्बाद किया था, आयतों को अपने फेवर में लाया करते थे वो लोग।
बनी अब्बास की भी यही पॉलिसी रही, दुश्मनों की यही पॉलिसी थी। यानी कुरान को एग्जैक्ट बयान नहीं करते थे लोग। فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, तुम में से कोई अगर मरीज है और सफर पर है, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, तो तुम उस रोजे नहीं रखोगे रमजान के बाद, उसके रोजे रखोगे। उसके बाद एक और कैटेगरी है जिनके ऊपर रोजे हराम है, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, यानी वो लोग जो कमज़ोर हैं अबव 80, बहुत सारे लोग कमज़ोर हो जाते हैं, नहीं होता उनसे चलने नहीं होता, बैठने नहीं होता, बात करने नहीं होता, अबव 80 हो जाते हैं लोग, 90 के अबव हो जाते हैं, ताकत है तो और बात है लेकिन ताकत नहीं। या वो नौजवान लड़की जिसे जवानी के आलम में 9 साल की उम्र में जिससे दीन वाजिब हो जाता है लेकिन कमज़ोरी उसके अंदर होती है, ऐसी जगहों पर अल्लाह मना कर रहा है उन लोगों को जो कमज़ोर लोग, जो रोज़ा नहीं रख सकते, कमज़ोर है, या बीमारी से पढ़कर उठाए शाबान के एंड में रमज़ान में, कमज़ोरी है उसे, उसे खाना पड़ता है, उसे विटामिन्स लेना पड़ता है, 3 वक्त विटामिन्स पे रहे वो, खाना खाना पड़ता है, कुछ नोशीदनियाँ लेनी पड़ती है, पीना पड़ता है, उसे दूध पीना पड़ता है टाइम टू टाइम, या यूँ कहा जाए कि कोई ऐसी चीज़ लेना पड़ता है जिससे उसे उसकी कमज़ोरी दूर हो, उसके ऊपर रोज़ा आराम है। उसके लिए क्या है, फिदियतुन तआमुम मिस्कीन, उसके लिए क्या है, मिस्कीन को खाना खिलाना है। कितना खाना खिलाना है मिस्कीन को, ये फिकही मसला है, फिकही मसला, जो कहा जाता है एक रोज़ा जो इंसान नहीं रख सकता मजबूरन, उसके लिए फिदिया देना है, जिसका असर ये होगा कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं है, रोज़ों की पेनल्टी नहीं है, अलबत्त ख़ज़ा है, मजबूरन अगर कमज़ोरी की बिना पर मेरा रोज़ा मुझे तोड़ना पड़े या इफ्तार करना पड़ा दिन में, तो मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं है। लेकिन मैं अगर ये बहाने लाऊं चूंकि मैं सहरी नहीं किया मैं रोज़ा नहीं रखूंगा, पेनल्टी है उसके ऊपर, 60 रोज़े रखना है, एक मिस्कीन को 60 मिस्कीन को खाना खिलाना है, या एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है प्लस एक रोज़ा, यानी 60 रोज़े प्लस एक रोज़ा 61 रोज़े, 60 मिस्कीन को खाना खिलाना 61 प्लस एक रोज़ा, एक ग़ुलाम को आज़ाद करना प्लस 1000 रोज़ा, मिस्कीन को खाना 60 मिस्कीन, खुदा न खास्ता रोज़ा टूट गया या हमसे, हम क्या करें, मिस्कीन को खाना खिलाएं या 60 रोज़े रखें बिस्मिल्लाह, अय्याम मुबारक के बाद ईद के बाद 60 रोज़े, 30 रोज़े कंटिन्यूस रखना पड़ता है, उसके बाद 30 रोज़े ऑप्शन है, या आप कंटिन्यूस रखें मुतवातिर रखें, या कोई अलग अलग महीने में 5 अब रख लिया, 5 बाद में रख लिया, फिर 5 बाद में रख लिया, इस तरीके से आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके खुदा कह रहे हैं वान तसूम खैरुन लकुम, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह है लेकिन तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है कि तुम रोज़ा रखो, अन तसूम खैरुन लकुम, जो इल्म रखता है, जो जानता है, जो नॉलेज रखता है रोज़े के बारे में, वो इस आयत का मफहूम समझ सकता है, अन तसूमु खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम जानते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, रोज़ा रखना बेहतर है। उसके बाद रमज़ान की फजीलत, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान, शहर रमज़ान यानी रमज़ान का महीना, क्या महीना है, उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान, जिसके अंदर क़ुरान नाजिल हुआ, कौन सा क़ुरान, हुदन लिन्नास, जो सारी इंसानियत को हिदायत करने वाला,
और बैनात मिन अलहुदा वल फुरकान, जो बैनात हैं ये दलायल हैं, हिदायत है, फुरकान है, हक़ व बातिल को जुदा करता है। यानी कुरान बहुत सारी चीज़ें आज दुनिया है, दुनिया के अंदर जो ताहूलात जो आप नज़र कर रहे हो, इस्लाम का बोलबाला हर जगह पर, इस्लाम की कामयाबियाँ, ये असल कुरान की कामयाबियाँ ही हैं। कुरान पर मुसलमान ने अमल किया तो इस्लाम कामयाब हुआ, अगर कुरान पर मुसलमान अमल ना करता कामयाब नहीं होता, ज़िल्लत की ज़िंदगी में होते हैं, ज़िल्लत की ज़िंदगी में। मुसलमान कामयाब क्यों है आज? कामयाबी कैसे अंदाज़ा लगाया जाए? इस्लामोफोबिया के ज़रिए से, कभी हिजाब के ऊपर दुश्मन हमला करता है, कभी तुम्हारी नमाज पर हमला करता है, कभी रोज़े पर हमला करता है, कभी दीन पर तुम्हारी दाढ़ी पर हमला करता है। ये सारे हमले इस बात की निशानी है कि इस्लाम कामयाब है, दुश्मन बेताब हो चुका है। इस्लाम की कामयाबी कब है? उस वक्त है जब इंसान कुरान पर अमल करेगा, वरना इस्लाम कामयाब नहीं हो सकता जब तक उम्मत सबूत पेश न करें। उसके बाद फिर वही बातें खुदा जो पिछली आयत में बयान किया यहां पर भी बयान किया कि मन काना मरीजन वला सफर मिन अय्याम उखर, इद्दत मिन अय्याम उखर। लेकिन सबसे बड़ा पैगाम जो इस कुरान में परवरदिगार ने रोज़ों के बाद जो रोज़ों के या रमज़ान के आयतों के बाद जो परवरदिगार ने यहाँ पर बयान किया है, वो है सबसे जान रोज़ों की, जो कुरान बयान कर रहा है वो है दुआ। इसके फौरन बाद खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन, ए पैगंबर जब भी मेरे बंदे तुमसे आकर मेरे बारे में सवाल करें, मेरा एड्रेस पूछे, मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ मिल सकता हूँ, फ़इन्नी क़रीबुन, उनसे कहो कि मैं उनसे बहुत नज़दीक हूँ। कितना नज़दीक हूँ? उजीबु दावत दाई इदा दान, कि मैं उनकी दुआओं को मुस्तजब करता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। यानी इतना नज़दीक है परवरदिगार। फलयस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, खुदा कह रहा है, ये आयत है कुरान की आयत। खुदा किसकी तरफ इशारा फरमा रहा है? दुआओं की तरफ। इस महीने को आसानी से जाने ना दो, डे वन से, पहली साथ से, पहले दिन से खदर करना शुरू करो, खुदा से दुआ करते रहो, मांगते रहो, पुकारते रहो। क्योंकि खुदा कह रहा है इज़ा सअलक इबादी अन्नी, ए पैगंबर जब लोग तुमसे आकर, मेरे बंदे तुमसे आकर मेरे बारे में सवाल करें, उनसे कह दो अन्नी करीबुन, मैं उनसे बहुत करीब हूँ, उजीबु दावत अद्दाई, उनकी दुआओं को सुनता हूँ। वल्युमिन बी, मुझ पर ईमान रखे, मुझ पर यकीन रखे। ये नहीं कि दो दिन दुआ किया तीसरे दिन बेताब हो गए, हर चीज़ का एक कोर्स होता है। तो इंसान मसलन अगर कहते हैं कि इतने बार ये सूरा पढ़ो, इतने बार ये सूरा पढ़ो, एक दो बार पढ़ के छोड़ देने से नहीं होता, इसका एक कोर्स होता है। बाकायदा एक साल मुदावमत करनी पड़ती है, दो साल मुदावमत करनी पड़ती है, इसके बाकायदा मुदावमत जिसे कहा जाता है करना पड़ता है। दो तीन दिन पढ़ने के बाद, दो तीन दिन दुआ करने के बाद अगर छोड़ दें, उसमें असर ख़त्म हो जाता है। उसमें खुदा से मुतवातिर रब्त, बात करना खुदा से। बेहतरीन दुआ इस महीने की जो पढ़ी जाती है, मसलन खुद दुआए सहर, दुआए इफ्तिताह और रोज़ की दुआएं, जो छोटी छोटी दुआएं जो मामूलन लोग उसे फॉरवर्ड भी करते हैं टेलीफोन पर, यानी आपके सोशल मीडिया पर, इससे हटकर बेहतरीन दुआ
अगर उसके मतालिब की तरफ अगर आप जाएंगे, दुआए अबू हमजा है सोमाली है, इस दुआ की तरफ आप जाएं, इंटरनेट से डाउनलोड करें, पढ़ें, तर्जुमे के साथ हैं बाकायदा। अरबी अगर मुश्किल है तो उर्दू में पढ़ें, या जिस ज़ुबान में आपको आसान हो ज़ुबान से डाउनलोड कर कर आप पढ़ें, अल्फाज देखें उसके कि किस तरीके से खुदा से खिताब करने का तरीक़ा क्या है, कैसे। बहरहाल जैसा कि हर साल हम लोग अय्याम मुबारक में जो एक मौजू रखते हैं तफसीर का, इस साल का मौजू हमारा है हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगानी। एक खूबसूरत कुरान के मातहत हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी किस तरीके से विलादत से लेकर उनके बड़े बड़े मिशन जो तौहीदी मिशन थे, किस तरीके से उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर तवागीत से जंग की, किस तरीके से कलिमतुल्लाह को इन्होंने ज़मीन के ऊपर पियादा किया, कितना यकीन था अल्लाह पर। हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी हमें हिम्मत देती है, बिलखुसूस इस दौर में जबकि चौतरफ इस्लाम दुश्मन है। और आज हमारे लिए एक इब्राहिमी फ़िक्र की ज़रूरत है, हम कुरान से ले सकते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद रखता हूँ कि कल से ठीक 6 बजे इसी मकाम पर इस दर्स को इजाफा किया आगे बढ़ाया जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।